कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य एवं इलाज जांच की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर मजरे टोले व राजस्व ग्राम में जो भी बाहर से व्यक्ति आए हैं उनकी अनिवार्य रूप से जाँच सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि देवरिया में कोरोना की जाँच के लिए प्राइवेट लैब को प्रेरित किया जाए और मंडल में जांच की क्षमता को और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों तथा बीमारियों से ग्रसित कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि हर स्कैनिंग सेंटर में 60 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोगों का पल्स ऑक्सीमीटर से जांच जरूर किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में जिलाधिकारी केविजन पांडियन, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। आपके डीएम साहब कह रहे थे इस साल हमारा ये तो बताता है कि हमारी सैंपलिंग अच्छी है। एक चीज नहीं समझ में आ रही कि जैसे कि कुशीनगर में उस अनुपात में मतलब 9, 7, 16 हो गए, अभी तक तो 9 ही थे और आपके करीब 66 हो गए, तो इसका कारण क्या लग रहा है? जब देवरिया हैं इस वजह से उनकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। कुशीनगर में जो लोग हैं उनका कॉन्टेक्ट पीरियड शॉर्ट रहा है, इसलिए उनकी पॉजिटिविटी सुधार रहा है। एक ट्रेन आए सर बस्ती में टर्मिनेट हो गई, बाकी परमानेंट क्वारंटाइन हो गया सर और यहीं का टेस्ट हुआ तो जो पास था निवासी। तो आप ये कहना चाहते कुशीनगर की बर्डन शेयरिंग हो रही है? तो फिर सर तो ट्रेन सर जिला दिखा दिया दर्द नगर में वो ट्रेन सर रुक गई। कहना है कि केसेस देवरिया के ज्यादा है, उससे ज्यादा चिंता का विषय मेरे हिसाब से कुशीनगर में, मतलब ये देख लीजिए कि क्या आप हर मजरा को या गांव को राजस्व गांव को कवर कर रहे हैं, कहीं से कोई छूट ना हो रही है? नहीं नहीं मैक्सिमम सैंपलिंग कर रहे हैं और मैं वो ब्लॉक वाइज कर रहा हूं। जैसे कि मुंबई में मुझे बताया गया, हमने न्यूज़पेपर से ही पढ़ा है कि कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिसको इग्नोर कर दिया गया और एकदम से उसमें 200-200, 400-400 केस निकल रहे हैं, तो इसलिए टेस्ट सेंटर में लगे हुए हैं। कितना बताना है? 425 में 2 पॉजिटिव आए हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसलिए प्राइवेट लैब्स को डॉक्टर साहब जितना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं उतना अच्छा है।